कल दिनांक 12 फरवरी को शाम 7:30 बजे नर्मदा विकास प्राधिकरण केनाल टनल में मिट्टी नीचे की ओर धंसने से 9 मजदूर दब गए थे, जिसमें 3 मजदूरों को तत्काल रॉबिन्स टीम के द्वारा निकाला गया। 2 मजदूरों को रात्रि लगभग 2 बजे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया एवं 2 मजदूरों को सुबह 8 से 9 बजे के तकरीबन सुरक्षित निकालकर शासकीय चिकित्सालय कटनी इलाज हेतु भेजा गया है। बाकी अंदर फंसे 2 मजदूरों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन तथा NDRF की टीम रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम भारती न्यूज। जो इनकी मशीन है रॉबिन्स की, उसमें कुछ रिपेयर वर्क का जो काम था, जो शेड्यूल्ड था, उसके अनुसार कार्य किया जा रहा था, तो उसने यहाँ जमीन धसकने की जानकारी NVDA के द्वारा दी गई। लगभग 7:30 से 8 बजे रात्रि की ये रिपोर्टिंग आई है कि इस समय घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो NVDA के यहाँ थे और के जो इंजीनियर्स उनके द्वारा दिया गया, इसमें कुल 6 जो अपने लेबर थे वो अंदर थे, उसमें से 2 लेबर जो हैं वो भी निकल कर आए हैं। दोनों स्वस्थ हैं, ट्रामा में ज़रूर हैं लेकिन हताहत नहीं है, और तीसरा जो व्यक्ति उसको थोड़ी सी चोट आई है। तो कुल 3 लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और सेफ हैं। उनसे भी अभी हमने पूछा तो वो जो घटनाक्रम बता रहे हैं उसके अनुसार जो है ये लगभग 7:30 से 8 बजे की घटना है, और अभी जो 3 लोग अंदर हैं, 3 लोग हैं अभी टोटल, 6 लोग, तो उसमें जो है उनको निकालने के लिए रेस्क्यू यहाँ पे जो NVDA के इंजीनियर्स हैं और जो टीम है उन्होंने अपना प्लान बनाया, उसके अनुसार वो लोग यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। जबलपुर से SDRF की भी टीम को SP साहब ने सूचित कर दिया था, वो वहाँ से रवाना हो गई है, एम्बुलेंस यहाँ उपस्थित हो गई है। तो तीनों जो मुख्य पहलू हैं रिस्पॉन्स के, इमीडिएट रिस्पॉन्स के, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के विधायक जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, SP महोदय पहुँच चुके हैं, हम ADM हैं, हम सब लोग हैं। सभी लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं, तो और ऐसी कोई घटना ना हो इसलिए सभी थोड़ा सा दूरी बना के रखें। प्रशासन बिल्कुल मौके पर उपस्थित है और जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए रेस्क्यू टीम का वो हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए हैं 3 लोग, उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल सामान्य है उनकी स्थिति, थोड़ी बहुत चोट आई है, हताहत किसी को भी ऐसा नहीं है कि गंभीर चोट बिल्कुल भी नहीं आई है। सर टोटल आदमी कितने थे? मिसिंग लोग जितने लोग मिसिंग है, जैसा कि आपने 6 लोग मिसिंग बताया, कहाँ के रहने वाले थे वो? अभी जैसा इन लोगों ने, लेबर्स ने बताया, ज़्यादातर लोग सिंगरौली चितरंगी के हैं, एक नागपुर का है, पर आवाज़ भी आ रही है उन लोगों की नीचे से। वो लोग NVDA की टीम ने बताया कि वो नीचे हैं, ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। और इसमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है रेस्क्यू का, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हर चीज़ डिफाइंड है कि किसको कैसे अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो कैसे करना है, वो जो टीम का काम है उसके अनुसार वो लोग करेंगे। हम लोग आवश्यक सहयोग, जिला प्रशासन जो भी इमीडिएट रिस्पॉन्स में आवश्यक सहयोग है, पुलिस यहाँ उपस्थित है, सभी लोग SDOP उपस्थित है, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।